बेटे, एवोगाड्रोस लॉ की बात करनी है, और एवोगाड्रोस लॉ जो है मैथमेटिकली तो है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। कि भाई अगर एक गैस का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट हो, तो फिर गैस का वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स यानी कि जो अमाउंट ऑफ गैस है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बट इसकी जो डेफिनेशन वर्डिंग में है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो इस तरह से है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है भाई, मतलब क्या है कि अगर मुख्तलिफ गैसेस का वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा तो उनमें मॉलिक्यूल्स की तादाद भी सेम होगी। ठीक है बेटा, अगर मुख्तलिफ गैसेस का वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा तो उस उन मुख्तलिफ गैसेस में मॉलिक्यूल्स की तादाद भी सेम होगी। नाउ मैथमेटिकली हम कहते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और जब इसको ड्राइव करते हैं तो वी अपॉन एन इज इक्वल टू के, और वी वन अपॉन एन वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन एन टू। ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स फॉर्म होते हैं। अगेन बेटा, के कांस्टेंट है, ठीक है भाई, के इज कांस्टेंट, तो वी अपॉन एन इज इक्वल टू के का मतलब क्या होगा कि अगर मुख्तलिफ गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, सेम है, तो उनके वॉल्यूम और मोल्स का रेशियो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है भाई, अगर एक गैस का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम अपॉन मोल्स का रेशियो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब चाहे वो इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल मोल्स का रेशियो हो वी वन अपॉन एन वन, वो भी कांस्टेंट, चाहे फाइनल वॉल्यूम और फाइनल मोल का रेशियो हो वी टू अपॉन एन टू, वो भी कांस्टेंट। तो जब चेंज हो ही नहीं रहा तो वी वन अपॉन एन वन की भी वही वैल्यू होगी, वी टू अपॉन एन टू की भी वही वैल्यू होगी। जब ही वी वन अपॉन एन वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन एन टू इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप ऑफ एवोगाड्रोस लॉ। अब एवोगाड्रोस लॉ में ऐसा सच कोई डिटेल नहीं है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है बेटा, जनरल गैस इक्वेशन जिसको आइडियल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है भाई, आइडियल गैस इक्वेशन भी कहा जाता है और इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक वन स्टेट फॉर्म है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और दूसरी टू स्टेट्स फॉर्म है, पी वन वी वन अपॉन एन वन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन एन टू टी टू। अब देखिए भाई, आप सब लोगों ने फर्स्ट ईयर में एन वन और एन टू इसमें नहीं पढ़े थे। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू, लेकिन कंप्लीट इक्वेशन यही है बेटा, पी वन वी वन अपॉन एन वन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन एन टू टी टू। और एनटीएस के पास पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं जो इस फॉर्मूला से सॉल्व होता है। ठीक है भाई, इस फॉर्मूला से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं इन एनटीएस। खैर, अब ये वन स्टेट और टू स्टेट फॉर्म का मतलब है क्या, जरा ध्यान से सुनना। देखो भाई, अगर आप सेकंड इक्वेशन देखो तो उसमें दो प्रेशर है, पी वन पी टू इनिशियल और फाइनल, ऐसे ही दो वॉल्यूम है वी वन वी टू इनिशियल और फाइनल, ऐसे ही दो मोल है, दो टेम्परेचर है इनिशियल फाइनल।
ऐसा फॉर्मूला या ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही इक्वेशन में इनिशियल स्टेट भी हो और फाइनल स्टेट भी हो, यानी दो स्टेट्स हो, उसे हम टू स्टेट फॉर्म कहते हैं, टू स्टेट फॉर्मूला कहते हैं। तो इस हिसाब से बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, तीनों के जो फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं वो क्या है, टू स्टेट फॉर्मूले। और पहली वाली अगर आप देखें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो उसमें एक ही प्रेशर है, एक ही वॉल्यूम है, एक ही टेम्परेचर है, यानी एक ही स्टेट है, तो इसलिए उसको कहा जाता है वन स्टेट फॉर्म। ठीक है भाई, तो ये जनरल गैस इक्वेशन है। अब इस वन स्टेट फॉर्म में ये जो आर है ठीक है बेटा, ये आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और इसकी दो वैल्यूज हैं। एक वैल्यू है 0.0821 एटमॉस्फेयर इनटू डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन, और दूसरी है R is equal to 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अब बेटा याद रखना, ये जूल पर मोल पर केल्विन वाली वैल्यू SI वैल्यू है, SI यूनिट में, और ये 0.0821 वाली वैल्यू उन यूनिट्स में है जो यूनिट्स केमिस्ट्री में कॉमनली यूज होता है। अच्छा, हम कौन सी यूज करेंगे बेटा, 0.0821 ये शर्त है। ठीक है भाई, कैलकुलेशंस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि ये शर्त है कि अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करनी है तो प्रेशर एटमॉस्फेयर यूनिट में होना चाहिए। तो अगर एटमॉस्फेयर में नहीं है, टॉर में है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने टॉर वाली वैल्यू पीवी एनआरटी में लगा दी तो गलत हो जाएगा। सिमिलरली वॉल्यूम डीएम क्यूब या लीटर वाली वैल्यू ही आपने लगानी है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में। अगर आपको सीएम क्यूब या एमएल में गिवन है और आपने वो वैल्यू लगा दी तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। और इसी वजह से आप आर की कौन सी वैल्यू यूज करोगे, जिसमें प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम का है डीएम क्यूब, और वो है 0.0821 एटमॉस्फेयर इनटू डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। ठीक है ना। अच्छा, टू स्टेट फॉर्मूला जितने भी है ना, उनमें से किसी में भी शर्त नहीं है कि जी प्रेशर एटमॉस्फेयर में ही होना चाहिए या वॉल्यूम जो है वो डीएम क्यूब या लीटर में ही होना चाहिए, ऐसी कोई शर्त नहीं। उसमें सिर्फ ये कंडीशन नेसेसरी है कि दो प्रेशर है तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, अब चाहे दोनों का एटमॉस्फेयर हो या दोनों का टॉर हो। ठीक है, कोई मसला नहीं है, दोनों का टॉर हो जब भी सही है, दोनों का एटमॉस्फेयर हो जब भी सही है, लेकिन अगर एक एटमॉस्फेयर में और एक टॉर में, तो फिर आपको किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो भी आपकी मर्जी है, ताकि दोनों का यूनिट क्या हो जाए, सेम। ये हर टू स्टेट फॉर्मूला के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है भाई, इसके बाद है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। अरे भाई, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गैसियस मिक्सचर से डील करता है, टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस के मिक्सचर से। ठीक है भाई, डेल्टन्स लॉ में हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, गैसियस मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, जिसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है एयर, हवा, जिसमें आपको पता है नाइट्रोजन गैस है 78%, ऑक्सीजन गैस है 21%, और अदर गैसेस हैं जो सब मिलकर बनाती है 1%।
क्योंकि बेटा 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, 99% तो यही हो गया, 1% में थोड़ी थोड़ी है बहुत सारी गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम वगैरह, ये सारी गैसेस जो हवा में एक साथ हैं ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती। तो एयर बेसिकली एक मिक्सचर है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, और ऐसे ही गैसियस मिक्सचर्स पर अप्लाई होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। अब इसमें जो टर्मिनोलॉजीज हैं पहले वो सुन लें ध्यान से। बेटा नॉन रिएक्टिंग गैसेस के मिक्सचर में हर गैस के मॉलिक्यूल्स अपना इंडिविजुअल प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होते हैं, और उस इंडिविजुअल प्रेशर को कहा जाता है उस गैस का पार्शियल प्रेशर। जैसे हवा में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स अपना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं जिसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कहेंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अपना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं जिसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे, ठीक है भाई। और मिक्सचर का जो प्रेशर होता है उसे टोटल प्रेशर कहा जाता है, यानी जब मैं बोलूंगा एयर का प्रेशर तो उसमें नाइट्रोजन का प्रेशर भी होगा, ऑक्सीजन का प्रेशर भी होगा और बाकी सारी गैसेस का प्रेशर भी होगा। तो बेटा मिक्सचर के प्रेशर को कहते हैं टोटल प्रेशर। तो ये दो टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भाई मिक्सचर में मौजूद गैसेस का इंडिविजुअल प्रेशर पार्शियल प्रेशर कहलाता है और पूरे मिक्सचर का प्रेशर टोटल प्रेशर कहलाता है। अब डेल्टन्स लॉ क्या है, कहते हैं कि भाई मिक्सचर में जितनी गैसेस हैं उन सब के पार्शियल प्रेशर्स को ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा मिक्सचर का टोटल प्रेशर। जैसे पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी प्लस पी सी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी अप टू पी एन। तो मिक्सचर में जितनी गैसेस हैं उन सब के पार्शियल प्रेशर्स को ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, मिक्सचर का टोटल प्रेशर। ये है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है बेटा। अब होता यह है कि भाई एक तो ये मेन फॉर्मूला है डाल्टन्स लॉ का, अच्छा इसके अलावा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से भी कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, लाइक पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में अगर आपको प्रेशर निकालना है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एनआरटी अपॉन वी। अब अगर मैं बात कर रहा हूं गैस ए के पार्शियल प्रेशर का तो पी ए हो जाएगा और राइट साइड पे एन ए आर टी अपॉन वी, क्योंकि मैंने क्या बताया हर गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उस गैस के मॉलिक्यूल्स एग्जर्ट करते हैं। जाहिर बेटा टेम्परेचर वॉल्यूम आर ये तो मिक्सचर की हर गैस के लिए सेम होगा ना, जो रूम टेम्परेचर है वही रूम में मौजूद एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबका टेम्परेचर वही होगा, जो रूम का वॉल्यूम है या कंटेनर का वॉल्यूम है मिक्सचर की हर गैस का वॉल्यूम वही होगा, आर तो वैसे ही यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो जब मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की बात करूंगा तो फॉर्मूला पी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी अपॉन वी, इसी तरह जब मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की बात करूंगा तो फॉर्मूला पी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी अपॉन वी, सिमिलरली जब मैं टोटल प्रेशर की बात करूंगा तो फॉर्मूला एन टी आर टी अपॉन वी बन जाएगा, ठीक है भाई। अब जिस तरह पी टी टोटल प्रेशर है, एन टी टोटल मोल्स है, टोटल मोल्स का मतलब, ठीक है बेटा, टोटल मोल्स का क्या मतलब है, सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर, ठीक है बेटा। मिक्सचर में जितनी गैसेस हैं उन सब के मोल्स का सम क्या होगा, टोटल मोल्स, ठीक है भाई। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो गैस ए का पार्शियल प्रेशर है तो आप गैस ए के मोल रखोगे, बाकी आर टी अपॉन वी पूरे मिक्सचर का सेम होगा। गैस बी का पार्शियल प्रेशर है तो गैस बी के मोल रखोगे एन बी, बाकी आर टी अपॉन वी सारी गैसेस का सेम होगा। और अगर टोटल प्रेशर निकाल ले हो तो फिर आप टोटल मोल रखोगे, टोटल मोल का मतलब
मिक्सचर में जितनी गैसेस हैं उन सब के मोल्स का सम, टोटल मोल रखोगे एनटी, और बाकी आरटी अपॉन वी वही पूरे मिक्सचर का क्या रहेगा, सेम। अच्छा जी, एक फॉर्मूला और है, और वो है पी गैस अपॉन पी टोटल इज इक्वल टू एन गैस अपॉन एन टोटल। और इससे आप पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस निकाल सकते हो, एन गैस अपॉन एन टोटल इनटू पी टोटल। ठीक है भाई, तो पी गैस का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइड बाय पी टोटल, मतलब है टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू एन गैस मोल्स ऑफ द सेम गैस जिसका पार्शियल प्रेशर है लेफ्ट साइड पे, और नीचे है एन टोटल मतलब टोटल मोल्स। इससे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस निकाल सकते हैं, किस तरह, टोटल प्रेशर को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें। तो भाई जिस गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है उस गैस के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर, इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर। ठीक है भाई, ये सारे ही फॉर्मूले कैलकुलेशंस में यूज होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई, वैसे तो डेल्टन्स लॉ की कई एप्लीकेशंस हैं, मैं दो की बात करूंगा, एक केमिस्ट्री में कॉमन है, एक बायो में कॉमन है। केमिस्ट्री में कॉमन जो है वो है गैसेस कलेक्टेड ओवर वाटर। ठीक है बेटा, मिक्सचर ऑफ ड्राई गैस एंड वाटर वेपर्स, मॉइस्ट गैस। ठीक है भाई, कुछ गैसेस को जब हम लैब में बनाते हैं तो डायरेक्टली कलेक्ट नहीं करते बल्कि पानी में से कलेक्ट करते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में जब आपने ऑक्सीजन गैस बनाई थी तो ऑक्सीजन गैस की कलेक्शन के लिए एक वाटर ट्रफ था जिसमें पानी भरा हुआ था। ठीक है बेटा, डिलीवरी ट्यूब भी उसी वाटर ट्रफ के अंदर थी। आप गैस जार में पानी भर के जब उसे डिलीवरी ट्यूब के ऊपर रखते थे तो पानी नीचे चले जाता था और उसमें ऑक्सीजन गैस भर जाती थी। तो जब किसी गैस को पानी में से कलेक्ट किया जाता है ना, तो मसला ये होता है कि गैस जार में ड्राई गैस के साथ साथ वाटर वेपर्स भी फिल हो जाते हैं। ठीक है भाई, जो गैस हमने बनाई है और हम कलेक्ट कर रहे हैं उसे मैं कह रहा हूं ड्राई गैस, जैसे 9th क्लास वाले केस में ऑक्सीजन। ठीक है ना, और वाटर वेपर्स जो कि उसमें क्या होगा मिक्स। तो जब किसी गैस को हम पानी पे से कलेक्ट करते हैं ना, तो हमें गैस जार के अंदर सिर्फ ड्राई गैस ही नहीं हासिल होती जो हमने बनाई है, बल्कि एक मिक्सचर हासिल होता है जिसमें ड्राई गैस के साथ साथ वाटर वेपर्स मिक्स होते हैं। और जब किसी भी ड्राई गैस में वाटर वेपर्स मिक्स हो जाते हैं तो उस मिक्सचर को हम कहते हैं मॉइस्ट गैस। अब अगर मुझे सिर्फ कैलकुलेशन ड्राई गैस के लिए करनी हो तो मुझे प्रेशर भी ड्राई गैस का चाहिए होगा, और अभी तो प्रेशर जो आया है वो मॉइस्ट गैस का है। तो डेल्टन्स लॉ के मुताबिक
मिक्सचर में दो है, ड्राई गैस है और वाटर वेपर्स हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर गैस बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, यानी कि टोटल प्रेशर के, ठीक है भाई, टोटल प्रेशर यानी कि मॉइस्ट गैस का प्रेशर बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। अब अगर मुझे कैलकुलेशन सिर्फ ड्राई गैस की करनी है तो डेल्टन्स लॉ की मदद से मैं सिंपली ये वाटर वेपर्स का प्रेशर जो इधर प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस ठीक है भाई। तो जब गैस को पानी में से कलेक्ट किया तो गैस के साथ क्या मिक्स हो गए, वाटर वेपर्स, एक मिक्सचर बन गया जिसे मॉइस्ट गैस कहते हैं। अब उस वक्त जो मैं प्रेशर निकालूंगा ना वो टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस आएगा। अगर मुझे कैलकुलेशन ड्राई गैस के लिए करनी है तो मुझे प्रेशर भी ड्राई गैस का चाहिए होगा और वो मैं सिंपली डेल्टन्स लॉ की मदद से निकाल लूंगा। डेल्टन्स लॉ की मदद से बेटा ड्राई गैस का प्रेशर पार्शियल प्रेशर प्लस वाटर वेपर्स का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस के। अगर मुझे ड्राई गैस का प्रेशर चाहिए तो मैं वाटर वेपर्स के प्रेशर को जो इधर प्लस हो रहा है उधर ले जाके माइनस कर दूंगा और इस तरह मेरे पास ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा और मैं फिर ड्राई गैस के लिए कैलकुलेशन कर लूंगा। अच्छा जी, बायो के अंदर एक मिसाल जो कॉमन है फेडरल बोर्ड में, क्योंकि बायोलॉजी में इसके ऊपर काफी बात की गई है, तो देखिए जब गैसियस एक्सचेंज होती है तो आपको ये पता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है, ये मैं मेडिकल वालों के लिए बता रहा हूँ, और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो रिवर्सिबल होता है। अब इस रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट जो आती है ना बेटा, वो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की वजह से आती है। ये एप्लीकेशन है डेल्टन्स लॉ की। यहाँ पे जब ब्लड लंग्स से गुजरता है ना तो लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ मरकरी यानी 100 टॉर से ज्यादा होता है, और 100 टॉर से ज्यादा जब ऑक्सीजन का प्रेशर होता है तो इस रिएक्शन में फॉरवर्ड शिफ्ट होती है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है ज्यादा से ज्यादा। जब ही जब ब्लड लंग्स से गुजरता है तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन से, क्यों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 टॉर से ज्यादा है। फिर जब ब्लड टिश्यू से गुजरता है ना तो टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 60 टॉर से कम होता है, और 60 टॉर से कम अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है तो इस रिएक्शन में बैकवर्ड शिफ्ट डोमिनेंट हो जाती है और हीमोग्लोबिन सॉरी ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन सेपरेट होते हैं और इस तरह ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज में सेल्स में चली जाती है। तो ये एप्लीकेशन है बायोलॉजिकल इसमें, ठीक है भाई। तो डेल्टन्स लॉ भी हो गया। लास्ट है बेटा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसके बाद कैलकुलेशन है जो कि अगली क्लास में, यानी कि अब गैसेस स्टेट पूरा हो गया। इसके जब फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो 1.5 महीना लगता है गैसेस स्टेट पूरा होने में, अगर आपको याद हो, और 1.5 महीने की सारी क्लासेस अगर मिलाएं तो ये बनती हैं 18 क्लासेस। तो फर्स्ट ईयर में जब आपको रेगुलर पढ़ाया जाता है तो चलो कोई ज़्यादा ले लेता होगा 18, लेकिन न्यूमेरिकल के साथ 18 क्लासेस भी कम है। तो जो काम 18 क्लासेस में होता है एप्टीट्यूड में सॉरी इन फर्स्ट ईयर में और तकरीबन 11 घंटे में, वो हम एप्टीट्यूड में जो है वो 2 सवा 2 घंटे में निपटा लेंगे। बहरहाल ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है, कहते हैं द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। देखो भाई ग्राहम्स लॉ में रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात की गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, ठीक है बेटा। नेचुरली मूवमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। तो यहाँ दो रीजन्स की बात होती है, एक वो रीजन जिसमें मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है
और दूसरा वो रीजन जिसमें मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है बेटा, तो नेचुरली मॉलिक्यूल्स कहां से कहां मूव करते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन की तरफ। अब देखो कुछ अच्छे अल्फाज आपको सुनने में और बोलने में आने चाहिए, ठीक है, ताकि अगर कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें वो वर्ड हो तो आप जो है वो उसको कर सके। लाइक ध्यान से सुनिएगा, डिफ्यूजन में दो रीजन्स की बात हो रही है ना, एक रीजन जिसमें मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, दूसरा रीजन जिसमें मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है। और मॉलिक्यूल्स किस रीजन से किस रीजन में जाते हैं, हायर वाले रीजन से लोअर वाले रीजन में, ये आप जानते हैं बेटा। दोनों रीजन्स के दरमियान जो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है, जो कि लाजमी होना चाहिए अगर मूवमेंट होनी है, उस डिफरेंस को कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी कहते हैं। ग्रेडियंट का वर्ड जो कि मैथ्स वालों ने तो वैसे भी सुना हुआ होना चाहिए ग्राफ्स में, जो कि बदकिस्मती की बात यह है कि इंटर के मैथ्स के स्टूडेंट ने भी शायद ही सुना हो। तो जब ग्राफ का स्लोप जब बनता है तो जितना स्टीप स्लोप होता है, यानी जितना सीधा ऊपर जा रहा होता है ग्रेडियंट उतना ही ज्यादा होता है, और जितना ही सीधा स्लोप होता है यानी कि ज्यादा वर्टिकल नहीं होता तो उसका ग्रेडियंट भी कम होता है। बहरहाल तो ग्रेडियंट के वर्ड, ये वर्ड्स जो हैं इससे आप लोगों को फेमिलियर होना चाहिए। अच्छा जी, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, आपको बताया था किसी भी प्रोसेस का रेट क्या होता है, चेंज पर यूनिट टाइम। उस प्रोसेस में होने वाली चेंज को अगर हम किससे डिवाइड कर दें, टाइम से, तो उस प्रोसेस का रेट आ जाता है। ऐसा ही है ना बेटा। अब डिफ्यूजन में क्या चीज चेंज हो रही है, तो बेटा डिफ्यूजन में चेंज होता है गैस का वॉल्यूम। ठीक है भाई, जब गैस के मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन में जाते हैं, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन में गैस के मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है, यानी वॉल्यूम उसका कम होता जाता है, और लोअर वाले रीजन में वॉल्यूम बढ़ता जाता है। तो बेसिकली डिफ्यूजन के दौरान जो चीज चेंज हो रही है ना, वो है गैस का वॉल्यूम। और अगर हम इसे टाइम से डिवाइड कर दें कि एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है, तो इस ये क्या बन जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है भाई, और ग्राहम्स लॉ के मुताबिक रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी से। अब स्क्वायर रूट की कहानी जो है बेटा वो प्योर मैथमेटिकल है। थियोरेटिकली या कॉन्सेप्चुअली आपको ये पता होना चाहिए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डेंसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर गैस की डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि हैवियर गैस है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, यानी कि स्लोली डिफ्यूज होगी। और अगर गैस की डेंसिटी कम है, यानी कि लाइटर गैस है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, यानी कि तेजी से डिफ्यूज होगी। तो पूरे ग्राहम्स लॉ की कोर डिस्क्रिप्शन है ये। ठीक है बेटा, पूरे ग्राहम्स लॉ की कोर थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन है ये कि लाइटर गैसेस डिफ्यूज फास्टर देन हैवियर गैसेस। कोर कॉन्सेप्ट है कि भाई लाइटर गैसेस ज्यादा तेजी से डिफ्यूज होती हैं हैवियर गैसेस के मुकाबले में। ठीक है भाई, दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टन्स लॉ। ठीक है बेटा, नाउ जब इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करते हैं तो हमारे पास पहला फॉर्मूला आता है, दैट इज आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू अंडर रूट डी बी अपॉन डी ए। ठीक है भाई, दो गैसेस हैं एक फॉर्मूला में, आर ए मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए, आर बी मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी, डी बी मतलब डेंसिटी ऑफ गैस बी, डी ए मतलब डेंसिटी ऑफ गैस ए। ठीक है बेटा, डो नॉट फॉरगेट टू ऑब्जर्व दैट द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फॉर्मूला आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। Means on the left side, A is in the numerator and B is in the denominator, but on the right hand side, it is reversed. B is in numerator and A is in denominator.
इसी से ड्राइव होके दूसरा फॉर्मूला बनता है आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए, जो कि एक काम का फॉर्मूला है बेटा। ठीक है बेटा, ये सबसे ज्यादा काम का फॉर्मूला साबित होगा आपके लिए, क्योंकि आप सबसे ज्यादा इसी को यूज करोगे। ठीक है भाई, अब यहां एम इज मॉलिक्यूलर मास, तो आर ए मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए, आर बी इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी, एम बी इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी, एम ए इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए। अगेन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अब इससे बेटा मजीद फॉर्मूले भी ड्राइव होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके बराबर है, वॉल्यूम अपॉन टाइम के। तो अगर मैं बात करूं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए, तो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस ए अपॉन टाइम ऑफ गैस ए। और अगर आर बी की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ गैस बी डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ गैस बी। और अगर बेटा मैं आर ए की जगह वी ए अपॉन टी ए लगा दूं इस फॉर्मूले में, और आर बी की जगह वी बी अपॉन टी बी, तो मेरे पास एक बड़ा फॉर्मूला आ जाएगा, वी ए अपॉन टी ए इंटू टी बी अपॉन वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए। ठीक है भाई, ये एक अच्छा फॉर्मूला है। ठीक है, ये एक अच्छा फॉर्मूला है जो कि यूज होगा। अच्छा, अब यूजेज सुनते जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि अगर न्यूमेरिकल में जो दो गैसेज आपको गिवन है, दोनों का वॉल्यूम भी अलग है और टाइम भी अलग है। जैसे अगर आपको सवाल में कह रहे हैं कि गैस ए का 30 डीएम क्यूब 15 सेकंड में डिफ्यूज हो रहा है, तो बताओ गैस बी का 50 डीएम क्यूब कितनी देर में डिफ्यूज होगा। तो भाई गैस ए का वॉल्यूम 30 गिवन है, बी का 50 गिवन है, अलग अलग है। गैस ए का टाइम 15 सेकंड गिवन है, बी का निकालना है, तो ऑब्वियसली अलग अलग है। तो जब दोनों गैसेस का वॉल्यूम भी अलग होगा, टाइम भी अलग होगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा एक्सटेंडेड वाला। लेकिन कभी कभी कह देते हैं सवाल में, कभी कभी ऐसे भी कहा जाता है कि भाई गैस ए का 30 डीएम क्यूब और गैस बी का 50 डीएम क्यूब सेम टाइम में डिफ्यूज हो गया। अगर कह रहे हैं सेम टाइम में डिफ्यूजन हो रही है अलग अलग वॉल्यूम्स की, तो जरा फॉर्मूला देखो, टी ए और टी बी अगर सेम है, इक्वल है, तो कैंसिल हो जाएंगे। और सेम टाइम के लिए मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा, वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए। ठीक है भाई, तो अगर दोनों गैसेस का वॉल्यूम और टाइम अलग अलग है, तो पूरा फॉर्मूला लगेगा, वी ए अपॉन टी ए इंटू टी बी अपॉन वी बी इज इक्वल टू रूट एम बी अपॉन एम ए। लेकिन अगर दोनों गैसेस का टाइम सेम है, तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए। और अगर वॉल्यूम सेम है, जैसे कभी कभी कहते हैं कि जी गैस ए का 30 डीएम क्यूब 15 सेकंड में डिफ्यूज हो रहा है, तो बताओ गैस बी का कितना गैस बी का सेम वॉल्यूम कितने टाइम में डिफ्यूज होगा। ठीक है भाई, गैस ए का 30 डीएम क्यूब 15 सेकंड में डिफ्यूज हो रहा है, तो गैस बी का सेम वॉल्यूम कितनी देर में डिफ्यूज होगा। तो अगर वॉल्यूम की वैल्यू दोनों गैसेस की सेम है, तो वी ए वी बी सेम, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फॉर्मूला बन जाएगा टी ए अपॉन टी बी इज इक्वल टू अंडर रूट एम ए अपॉन एम बी। अब बच्चे बोलेंगे कि सर ये कैसे हो गया, तो भाई एक ही बात है, आप देख लो ऊपर जब आप करोगे तो टी बी अपॉन टी ए एम बी अपॉन एम ए आएगा। तो अगर मैं दोनों साइड को रेसिप्रोकल कर दूं, तो टी ए अपॉन टी बी इज इक्वल टू अंडर रूट एम ए अपॉन एम बी। एक ही बात, ये वो वाहिद फॉर्मूला है जिसका लेफ्ट साइड और राइट साइड रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक है भाई, लेफ्ट साइड पर ए का टाइम ऊपर है, राइट साइड पर ए का ही मोलिकुलर मास ऊपर है। ठीक है बेटा, लेफ्ट साइड पर बी का टाइम नीचे है, राइट साइड पे बी का ही मोलिकुलर मास नीचे है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कि आपको ये याद रहे कि इससे पीछे वाले सारे फॉर्मूला में लेफ्ट और राइट साइड रेसिप्रोकल थी, इसमें नहीं है। और इसी वजह से मैं टी बी अपॉन टी ए इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए लिखूं, या टी ए अपॉन टी बी इज इक्वल टू अंडर रूट एम ए अपॉन एम बी लिखूं, एक ही बात है। बस जिस गैस का टाइम ऊपर है, उसी गैस का मॉलिक्यूलर मास ऊपर है, जिस गैस का टाइम नीचे है, उसी गैस का मॉलिक्यूलर मास नीचे है। अगर ये बात फॉलो हो रही है,
तो वेरिएबल ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वो फॉर्मूले हैं बेटा जो ग्राहम्स लॉ में यूज होंगे। और थ्योरी बेटा पूरी हो गई है गैसियस स्टेट की। अब अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है भाई? सो दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।